हिंदी सिनेमा में कुछ सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई है। उन्हीं में से एक नाम है दिग्गज अभिनेता फारूक शेख का। फारूक शेख अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने निभाए गए किरदारों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज फारूक शेख का 74वां जन्म दिवस है। फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के अमरोली में मुस्तफा और फरीद शेख के परिवार में हुआ। उनके पिता वकील थे। फारूक शेख अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में शुरुआती करने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई भी की। फारूक शेख को लेकर बताया जाता है कि उन्होंने वकालत से करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका मन इसमें नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की ओर रुख किया। फारूक ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में फिल्म गर्म हवा से की। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था। फिर उसके बाद फारूक शेख ने निर्देशक सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी फिल्म की शुरुआत की। शुरुआती सफलता मिलने के बाद फारूक शेख को आगे भी कई बेहतरीन फिल्में मिलने लगीं, जिसमें 1979 में आई नूरी, 1981 की चश्मे बद्दूर जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। फिल्म इंडस्ट्री में दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी काफी पॉपुलर थी। दोनों ने चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना, रंग बिरंगी, कथा, साथ साथ और एक बार चले आओ जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया था। दीप्ति और फारूक में काफी अच्छी दोस्ती थी। मालूम हो फारूक शेख ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 50 फिल्में ही की और अपनी जबरदस्त एक्टिंग की छाप छोड़ गए। साल 2010 में फारूक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। ये सम्मान उन्हें फिल्म लाहौर में उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए मिला था। बता दें कि फारूक शेख ने कभी भी खुद को फिल्मों तक सीमित नहीं रखा। एक्टर ने कई टीवी सीरियल्स में भी अभिनय किया। उन टीवी सीरियल्स में श्रीकांत, चमत्कार और जी मंत्री जी शामिल हैं। इनमें भी फारूक का सबसे फेमस टेलीविजन शो जीना इसी का नाम है रहा है। इस शो में वो कई सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया करते थे। ये शो काफी लंबे टाइम तक टीवी पर दर्शकों को एंटरटेन करता रहा था। वहीं फारूक शेख की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने रूपा जैन से शादी की थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी के बाद दोनों की 2 बेटियां हुई। फारूक अपने परिवार के साथ दुबई में छुट्टियां बिताने गए थे। वहां 28 दिसंबर साल 2013 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जान चली गई। निधन के वक्त वो महज 65 साल के थे। आज बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में हैं।